तो गाइस देख सकते हो अभी हमारे घर पे लड़ी भी लग चुकी है एंड जब ये लगा रहे थे तब मैं घर पे नहीं थी, रात को लगाया था। सो मैं अभी आपको मॉर्निंग में दिखा रही हूँ, ये लग गया है एंड और इधर ये टेंट लग गया है। अभी इसमें पूरा कपड़ा लगना बाकी है। सो एक इधर लगा है और एक उधर साइड पर लगा है। बैठने के लिए सब कुछ यहाँ पर है और यहाँ पर सब खाना बनेगा। सो यस अभी इतना ही लगा है। तो यहाँ पे जब कपड़ा लगेगा तब मैं दिखाऊंगी। हमें चेयर्स वगैरह एंड ये मैट वगैरह भी आ चुका है। नमस्ते दीदी मम्मी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शादी को मुबारक हो। फाइनली आ गए, सारे नेपाल वाले पहुँच गए थे, चंडीगढ़ वाले भी आधे पहुँच गए थे। बता देना मेरी मजबूरी क्या थी, मैं तो घर में नन्नी परी आई है, मतलब नानी नहीं दादी, दादी बन गई, दादी दादा बन गए, इसलिए गाइस देखिए कौन आया है। हाय तो करो, हेलो, पहचाना कि नहीं पहचाना होगा। नमस्ते, हमारे दुबई से जीजा जी आए हैं, वर्षा जी के हस्बैंड, पापा के लिए घड़ी लेके आए, तो पापा ट्राई कर रहे हैं अभी घड़ी। हाय गाइस, पता नहीं कौन सा वीडियो कौन सा ब्लॉग किस में ऐड कर रही हूँ, मेरे को खुद ही नहीं पता। सो अभी टेंट वगैरह लग रहा है तो मैं सोच रही हूँ मैंने वो दिखा देती हूँ। एंड छत में भी हमने टेंट लगवाया क्योंकि जो ड्रिंक करने वाले एनएसएस होते हैं वो छत में करेंगे। एंड छत में इतना गंदा टेंट लगा है, इनको अभी मैं बोलूँगी अभी आने दो। ये जो फ्लावर वाला है ना, ऐसे टेंट के लिए मैंने मना किया था बट इन लोगों ने लगा दिया है, मैं अभी इसको उतरवाऊँगी। एंड ये वाइट तो सही है और इधर लग रहा है बिकॉज इधर है हल्दी मेहंदी। तो यहाँ पे लग रहा है टेंट हल्दी मेहंदी का और कल है मेरी हल्दी एंड मेहंदी। और पता नहीं इधर उधर व्लॉग हो रहा होगा बट फिर भी आप इंजॉय करना, मैं सब कुछ शेयर कर रही हूँ कौन सा कहाँ कैसे कैसे लग रहा है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट, मैं बैठ जाती हूँ। हाँ सो गाइस, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, थक गई हूँ ये शादी के सीरीज से। पता नहीं ऐसा हो रहा है कि जल्दी सब कुछ हो जाए, ख़त्म हो जाए, मतलब इतना थकावट हो रहा है, इतना ये हमारे घर में दो पागल बच्चे बदतमीज बच्चे वो हल्ला कर रहे हैं। सो यस गाइस, मैं सोचे बस जल्दी ख़त्म हो जाए ये शादी वाला सीरीज़ ताकि मैं रेस्ट कर सकूँ, थक गई हूँ बहुत ख़तरनाक वाला। Hi guys, welcome back to my channel. So, आज है मेरी मेहंदी एंड बिल्कुल भी इससे पहले शूट करने का टाइम नहीं मिला। सो अभी मैं जस्ट रेडी हुई हूँ एंड मैंने सोचा कि चलो इंट्रो शूट कर लेते हैं। एंड आप इतना ब्यूटीफुल सा मेकअप देख रहे हो एंड हल्दी का भी मेकअप देखा, वो किया है निशा ने। अगर आपको भी करवाना है तो आईडी है यहाँ पर, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो अभी थोड़ी देर, मतलब मेहंदी तो स्टार्ट हो चुकी है बाहर, सो अभी थोड़ी देर में जाऊँगी मेहंदी लगवाने। एंड यस, मैं आपको थोड़ा सा सेटअप दिखा देती हूँ बाहर कैसा कैसा सेटअप है। तो ये है एंट्री एंड यहाँ से ऐसा गैलरी है। सो इसके बाद मैं आपको स्टेज दिखाऊंगी बट आज हल्दी में मेरा बहुत मूड ऑफ हो गया। जैसा मैं बैकग्राउंड चाहती थी वैसा बैकग्राउंड नहीं बना हल्दी में। सो मेहंदी में तो अच्छा बना है, हल्दी का बैकग्राउंड से मैं बहुत अपसेट हूँ, मूड ऑफ है मेरा। बहुत ही गंदा सेटअप किया था बट फिर भी ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, एंड मौके में कुछ ऑप्शन नहीं था, उसी में ही हल्दी बनाना पड़ा। बट मेहंदी का तो अच्छा है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी मेहंदी का सेटअप कैसा कैसा है। हाय गाइस, कौन है, पहचानिए कौन है आप? अनायशा। आप किसकी शादी में आए? जोर से वर्षा मासी के। हाय फाय, अरे वाह भाई, बहुत तेज किया, बहुत तेज किया, मेरे को दर्द हो गया भाई, मैंने ऐसे किया, अरे वाह। Oh, God, I'm gone. He never.
चाल चाल वर्षा दे हंसते थोड़ा सा फेस ऊपर करो, ज्यादा नीचे कर लिया आईज, नीचे कर लिया बस आईज से, ठीक है। हाथ के साथ ऐसे जैसे कर लो हैंड्स को, या एक काम करो मुंह पे, अब हैंड ऐसे कर लो, ऐसे आगे कर, हाँ ये बाल्टी से कर। स्माइल, yeah, very good, चला, खींचो भाई खींचो, 3 सेकंड की हंसी है बस ये, जल्दी हाँ। चल चल, यार अडवाणी, चल यार ले, हंस रहे हो, जल्दी करो। और दूसरा ये तो ओह माय गॉड डबल चिन, उसको बच्चा शूट एरम था जरा, अरे भैंस की टाइम यार, अनानी से कम लग रही है मेरी दीदी, अरे बहुत सुंदर लग रही है यार, एक हाथ रखो तो गाइस एक मिनट, मेहंदी भी लग चुकी है, फंक्शन भी पूरा खत्म हो चुका है, अभी खाना खा रहे हैं, एंड खाना तो खा नहीं सकती तो भाभी खिला रही है। सो कल है शादी, उसके लिए मुझे जल्दी भी उठना है, खा के सोऊंगी। बाय। अभी मेरा चल रहा है चूड़ा का रसम, तो मैं चूड़ा करने जाना है, पार्लर लेट हो रहा है, तो इसलिए मैं जल्दी स्टार्ट करी हूँ। अच्छा अच्छा जी, क्यूटी पाई, स्वागत है टॉपिक लाइन पे, ध्यान से रखना, ये पीछे वाला बड़ा है, आगे वाला छोटा है, आप भाई करो ना, ये तो जेल क्लो हो गया ना, ओ आगे इसको करना है पहना बहुत लेट हो रहा है ना, जल्दी करो यार, वो लेट हो रहा है, मेरी लंबुड़ी ये सगल दे दिया हमने भाजी को, दुकान से आराम से जाना है ना। अच्छा मामा 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 आप मैं तो सोच रहा था दर्द ना हो, पापा को आदत है बड़े वाले को, यार तीन शादी कोई बात नहीं, हो जाएगी शादी भी, क्या बड़ी बात है।
Congratulations. Chaku, how are you feeling right now? Nervous. नर्वस कुछ फीलिंग नहीं हो रहा, मुझे लेट हो रहा है, मेरे को डर लग रहा है, पार्लर जाना है मुझे। ये लेट हो गया। चलो तो गाइस, मैंने एक्सटेंशन करवाना था बट मेरे को टाइम ही नहीं मिला, मैं भूल गई इधर उधर के चक्कर में, सो इसलिए मैं अभी वो क्या बोलते हैं ये चिपकाने वाला लगा रही हूँ और काम चलाऊ टिप्स हाँ मतलब अच्छा लग रहा है। कहाँ लगाया? अच्छा वाओ गरम पानी जान किसने रखी है? मर्द वाला हाथ लगता था मेरा। नहीं बेबी ओवर एक्टिंग था ऐसे नहीं। योगेश परफेक्ट एंटरटेनर।